एंड वेलकम बैक टू द सनप्री ब्लॉग। तो गाइस सुबह उठ के हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज कोई योगा वगैरह किसी ने कुछ नहीं की, उसका कारण ये लोग हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू सनप्री ब्लॉग। आज का व्लॉग मैं नहीं बनाऊंगा, आज का व्लॉग बनाएगी पूजा। आज मैं करूंगा रेस्ट, खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा। चूल्हा बन गया मेरा? नहीं बना नहीं। ये गाइस जब वहां होते हैं लोग तक तब तो ये कभी मलाई कोफ्ता, कभी चीज बर्गर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो तुम लोग तो खाते नहीं ना, तुमने तो हार्ड चैलेंज लिया हुआ है। मैंने खा लिया हुआ है, मैं तो खा लेता हूँ सब कुछ। नहीं खाते हैं गाइस, मैं खा लेता हूँ। कोई नहीं, आज तू बता क्या खाएगा, वही बना देंगे तेरे लिए। जो तुमने बोला ना वही बना देंगे। चूरमा? चूरमा छोटी चीज बोल रहे, कुछ अच्छा सा बता जिसमें थोड़ी मेहनत लगे। अच्छा कुछ और बता अच्छा सा जो सबको पसंद आए। याद आया क्या? गुलाब जामुन है, वो कैसे बनेंगे? ऐसे करके चाशनी डुबो के यूं करके बन जाएंगे। चलो आज तेरा ये चैलेंज है, तू आज गुलाब जामुन बना के खिलाएगी। ठीक है भाई, तो आज इसने बोला है गुलाब जामुन के लिए, तो मैं ट्राई करूंगी कि इसके लिए अच्छे से गुलाब जामुन बनाऊं। तो हम बना के और इसको जरूर खिलाएंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन खिलाएंगे जरूर। ठीक है, आज इसकी व्लॉग से छुट्टी, आज का व्लॉग मैं बनाऊंगी। तो अभी ये देखो इसने अपना टास्क ले रखा है 4 लीटर पानी पीने का बस। तो गाइस झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है और अभी बस थोड़ा बहुत काम और बचा है। अभी मैं सोच रही हूँ पहले खाना खा लेते, उसके बाद हम नहाएंगे, फिर आज कुछ एक दो रील भी शूट करनी है, तो बस आज यही सब चलेगा। तो बस फटाफट पहले खाना खाएंगे, उसके बाद नहाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई गाइज मैं तो नहा धो के रेडी हो गई हूँ, लेकिन ये लोग अभी तक नहीं नहाए हैं। गाइज इसने ना बहुत पता नहीं क्या ही है ये, तब भी आता है ना तब मेरी चॉकलेट के पीछे लग जाता है, खुद कुछ नहीं लेके आता और जो मैं लेके आती हूँ वो सारी खा जाता है। खराब हुई, जम गई। कहाँ जम रही है, ये ऐसी है तो तू मत खा। रुक जा। मैं बताऊंगी कैसे खा। चम्मच तो बस ये अब दिखावे के लिए ले रहे है, बाकी खाएगा ऐसे ही चाट के। गाइज कितना सूखला है ये देख लो आप लोग। तो गाइज मैं तो नहा धोके रेडी हो चुका था फिलहाल ना, अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन। और वो उधर देखो आज मौसम काफी अच्छा हो रखा है, ठंडा लगता है, मुझे बारिश होगी। मैं सो गया था, सो के बस अभी उठा ही हूँ। मेरे फेवरेट है गुलाब जामुन। हाँ, इसने बोला था सुबह कि मेरे को गुलाब जामुन खाने, इसलिए मैं अभी इसके लिए गुलाब जामुन बनाऊंगी, अभी फटाफट बना लेते। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं रेसिपी कैसे बनाते हैं, बता देना गाइजों को। पहले बर्तन जो किचन में रखे हुए हैं उनको समेटे और थोड़ा स्पेस बनाएंगे कि हमारी किचन छोटी है। सबसे पहले बनाएंगे खोआ। इसमें तो खोआ हमारे पास बाहर से तो हम लेके आए नहीं, तो हम घर पे ही रेडी करेंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि घर पे कैसे बनाए। ओके तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई। गिर जाती ना फिर बताता मैं। अरे कित हो गाइज, बादल गर 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 कर रहा है। तो खोया बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा दूध, जो कि हमने इसमें डाल लिया है। दूध कम नहीं है? हाँ इतना ही चाहिए। बहुत कम है दूध? कोई नहीं था गाइस, कम है दूध, वो डाल लो। अरे पहले मैंने बहुत बड़ा है गुलाब जामुन बनाया बचपन में, मैंने दूध इसमें फाड़ डाल दिया। इसने गुलाब जामुन का कोई नहीं बनाया। क्या बकवास कर रही है गाइस ये। पहले थोड़ा सा हम दूध लेंगे, उसके बाद हम लेंगे इसमें मिल्क पाउडर। तो ये हमारा रखा था, मेरे को दिखाना थोड़ा सा, खा के देखता हूं। हाँ, ये ऐसे सूखा ही खा जाएगा, ऐसे इसमें बहुत कम है देख। और थोड़ा सा हमें चाहिए देसी घी, जो कि इसमें इन तीनों का। देसी देसी ना बोला कर छोरी रे। थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। अब इसको इस पर डाल देंगे ना, तो एक चम्मच मेरे को। मैं अभी गाइस देखता हूँ कैसा है। अच्छा लग रहा है, चिपक गया पूरे दूध में अंदर। दूध में हम दूध के अंदर घी डाल लेंगे। 1 2 क्योंकि भाई घी बहुत महंगा है, 1000 रुपए किलो घी है। तो गाइस हम लोग जल्दी से खोआ तैयार कर देते हैं, तब तक आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थक गए होगे ना। स्किप करो, हां वीडियो स्किप करो, आगे चलो आगे चलो। तो गाइस यहां पे हमारा मावा एकदम रेडी है, अभी हम इसको ठंडा करेंगे, इसमें निकाल देते हैं। तब तक मैं सोच रही हूँ चाशनी बना लेती हूँ, तो मैं इस वाले बर्तन में चाशनी बनाऊंगी, तो इसमें चीनी डालूंगी और पानी। तो गाइस यहाँ पे हमारा मावा ठंडा हो चुका है, अभी थोड़ी सी इसमें मैदा डालेंगे, एक दो छोटी चम्मच,
और थोड़ा सा डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और फिर दूध के साथ इसको गूंद लेंगे अच्छा सा। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। तो गाइस चाशनी यहाँ पे देखो पूरी उबल गई है, चीनी पूरी मिक्स हो गई है। अब इसमें ना कुछ गंदगी रहती है जैसे चीनी में, तो उसको साफ करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे दूध, मतलब थोड़ा सा एक छोटी चम्मच ऐसे करके अभी डाल दें। तो हम यहाँ पे ये वाली छोटी चम्मच ले रहे हैं। तो गाइस मुझे लगता है हमारी चीनी ना एकदम साफ़ है, थोड़ी सी गंदगी आई है उसको हम निकाल देते हैं इससे छलनी से। तो गाइस चाशनी यहाँ पे बन चुकी है एकदम रेडी है। तो गाइस यहाँ पे हमारे इतने से गुलाब जामुन बने हैं। तो यहाँ पे घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम एक सबसे छोटे वाला इसमें डाल के देखेंगे कि ये कहीं फैल वैल तो नहीं रहा है। तो गाइस कुछ ऐसे गुलाब जामुन बन रहे हैं हमारे, मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बाकी टेस्ट का भी कुछ नहीं पता। मैंने उसको बोला 2 घंटे बाद गुलाब जामुन खाने और वो पहुंच गया अंदर खाने के लिए। तो बोल दिया ना 2 घंटे बाद खाने हैं, क्यों खा रहे हैं? आया था देख ले, बस देख सकते काफी टेस्टी है दिखने में तो। गाइस अभी पके नहीं है। गाइस पके नहीं। गाइस 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 खा जाऊं? नहीं इसलिए मैं एक सबसे छोटा वाला गुलाब जामुन लेके जा रही हूँ टेस्ट करवाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा सा करना, मैं भी करूँगी फिर इसमें से। इस सेंटर में ना यह चाशनी है, बाजू उसके बाहर आउटर में ना, तो हम इसको रख देते, खाएंगे नहीं। शाम के बज गए 8। दी क्या बना रहे हो आप? मैं बना रही हूँ पालक पनीर। दिन में गुलाब जामुन बना के खिलाए वो अब तक तो याद नहीं है। अब तू सब रहा है, हम लोग पनीर और पालक पनीर है ना, पालक और पनीर। मैं इसकी हेल्प करवाने के लिए आ गया था क्योंकि तो गाइस मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट है कुकिंग करने में, तो मैं आ जाता हूँ हेल्प करवाने के लिए। पनीर डालने से पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं कर चुका, कहीं खट्टा तो नहीं है? एक मैं भी देख लेता हूँ। पूरा टाइट है, टाइट है, टाइट तो। एक और करके देखो। एक दो क्या? एक में मजा नहीं आया। एक में गाइस पता ही नहीं चला। अरे मैं कहीं ना एक वो ट्राई कर। पनीर खत्म हो गया, पालक की सब्जी बनानी पड़ेगी। पनीर हमने खा लिया। तो गाइस सब्जी बन गई है पालक पनीर की, बहुत टेस्टी। तो ये देखो गाइस बहुत ही टेस्ट लग रही है सब्जी देखने में, तो बाकी खा के पता चलेगा कि कैसी बनी है। गाइज हम लोगों ने डिनर कर लिया है, फिलहाल हम लोग देख रहे हैं अंकित भयापुरी का इंटरव्यू, वो भी अरुण के कहने पे, वो उसको इंटरेस्ट है पूरा तो वो देख रहा है। और हम लोगों ने डिनर कर लिया है, आज करते हैं आज के व्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो लोग नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस प्लीज। ये कोई नए नहीं आते, सारे पुराने ही देख रहे हैं, कोई नए भी ऐड हो जाओ और सब्सक्राइबर जो आ रहे हैं जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जो हमारे हैं सब्सक्राइबर्स उनको तो क्या ही बोले, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।